जी, अभिषेक भैया मैथ्स टीचर हैं और ऑर्गेनिक फार्मर हैं। भैया आप राइस एकेडमी में टीचर हैं। भैया ने पहला वर्कशॉप जुलाई 2017 में किया था और उसके बाद बहुत सारी वर्कशॉप कानपुर संस्थान में लगाई हैं, और भैया वीडियो एडिटिंग टीम में भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो मैं अभी भैया से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया अपनी बात को रखें। जी भैया। मैं अपना थोड़ा सा परिचय और रख देता हूँ। तो परिवार में दो छोटी बहनें हैं, मम्मी पापा और चाचा जी रहते हैं। और छोटी बहन और मम्मी ने वर्कशॉप किया है, पापा और एक बहन और चाचा जी अभी वर्कशॉप नहीं किए हैं। तो ऐसा है परिवार का परिचय। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ अपने मेरी यात्रा को, तो मैं जब देखता हूँ तो अपने में एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि करना क्या है। यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, तो कुछ कंक्लूजन पे निकले थे कि प्रकृति के साथ मिलकर काम करना है। तो वहाँ से शुरुआत मैंने किया, तो उसी सिलसिले में मैं कानपुर संस्थान पहुँचा। तो वहाँ से लगा कि प्रकृति में चीज़ें और अपना बल मिला जो मैंने मान रखा था। तो फिर आगे की यात्रा, जैसे जैसे वहाँ वर्कशॉप होते थे तो वहाँ पर पहुँचना होता था, तो जो मेरा बाहर करने का बहुत ज़्यादा संस्कार था तो वो धीरे धीरे व्यवहार की तरफ बढ़ा। फिर अपने विचारों के व्यवहार को ठीक करने के प्रयास में बढ़ा। फिर विचारों को ठीक करने के प्रयास में मैं अपने आप को देख पाता हूँ। फिर जब मॉर्निंग सेशन से जुड़ना हुआ तो फिर चला कि इसमें, इन दोनों में अगर ठीक से मुझे जीना है तो अपने भाव को भी देखना है। तो ऐसी यात्रा मेरी रही थी। तो अभी तक जितनी समझ बनी है मेरी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में, उसको मैं प्रयास करूँगा रखने का। तो पहले एक्सरसाइज जो है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, तो इसमें पहले स्टेप में अपनी कल्पनाशीलता को देखना। तो ज़्यादातर मैं कहूँ कि ऐसा मैं पहले तो हुआ था कि बाहर से ही ध्यान लगता था, कि मेरा दिल जाता था कि ये अभी करने का है, ये ऐसा कल्पना चिंता में देख पा रहा था कि ऐसा हो जाए। तो इस तरीके से शुरुआत किए, फिर नहीं देख पाता था कैसे हो जाए। तो वो विचार के स्तर पे, अब फिर एक प्रश्न फिर खड़ा होता था कि तो क्यों हो जाए। तो वहाँ से भाव को देखने का ऐसा चला। तो हर क्षण जो बात बोली जा रही है, कुछ जगहों पे विचार को भी देख पाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे विचार को नहीं देख पाता। आशा तो लगभग लगभग कार्य और व्यवहार करते समय दिखती है। अगर कार्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी लगभग देख पाता हूँ। और जो व्यवहार वाला मुद्दा है दूसरे मनुष्य के साथ, वहाँ पे विचार को और आशा को तो ठीक से देख पाता हूँ, लेकिन जो भाव है वो जब नॉर्मली बातचीत होती है तो देख पाता हूँ, लेकिन जब ऐसा कुछ मेरे विरोध में चीजें हो रही हैं तो वहाँ पे लगता है कि भाव हिलता हुआ है। एग्जैक्ट क्या भाव है, ऐसे मोटे तौर पे तो बोल सकता हूँ कि विरोध का भाव वहाँ पर देखता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट किस अगले स्टेप में जो बात बोली जाती है सच में या दृश्यक में, तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा ऐसा चल पाता है। ठीक तरीके से कहूँ ऑब्जर्व करने का, तो भी तो भाव के बीच में काफी गैप दिखता है। ऐसा पहले स्टेप में है, पहले स्टेप में मुझे ऐसा भी लगता है कि काफी प्रयास करने की जरूरत है। दूसरे स्टेप में है कि सहजता है। तो इसमें जो 3 पॉइंट दिए गए थे, उन तीनों पॉइंट में मैं अपने लिए सुटेबल भी पाया हूँ कि जिस भाव को भी देख पाया हूँ तो उसकी निरंतरता रख सकता हूँ कि नहीं। तो पहले तो मैं ऐसा मानता था कि जो विचार भी मेरे अंदर चले हैं तो उसको मैं निरंतर रख पाऊंगा कि नहीं। तो फिर ध्यान गया कि विचार तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन भाव जो है एक बना रहता है, उसी के बेस पे विचार होते हैं। तो जैसा कि अभी स्टेप 1 में देखना हुआ था कि दो भाव के बीच में भी जो गैप रहता है जो देख पाया हूँ, या फिर दो विचारों के बीच में जो गैप है, तो यहाँ पे जो तीसरी पॉइंट, इसमें सेकंड स्टेप में जो तीसरा पॉइंट बोलते हैं कि निरंतरता रख पाते हैं कि नहीं, तो उससे ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारे ऐसे भाव बनते हैं
जिसको निरंतर नहीं रखना मैं चाहता, और तो कुछ भाव ऐसे बनते हैं कि जिसको मैं निरंतर रखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से दूसरे स्टेप को मैं देख पाता हूँ अपने अंदर। तीसरे स्टेप में अगर मैं जाऊँ तो सुखी दुखी का, तो सुखी दुखी होने का तो ऐसा है कि सुखी हो रहा हूँ दुखी हो रहा हूँ, ये तो लगभग लगभग बहुत जब से याद आता है तब से इस स्टेप को देखने का काम होता है। लेकिन ऐसा है कि इसमें जो इसको मैं सुख मानता हूँ कि मैं सुखी हूँ, तो वो कंटिन्यूटी में नहीं, कुछ क्षणिक चीजों में ही सुख मान लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अभ्यास था कि कोई अनुकूल चीजें खाकर सुखी हो जाएंगे तो मैं सुखी हो रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे बात मुझे अभी समझ में आई अपने लिए कि जिसको मैं निरंतर रख सकता हूँ, जिस भाव को, उसके बेस पे मैं सुखी होता हूँ, और जिसको मैं निरंतर नहीं रख पाता हूँ तो उसके बेस पे दुखी होता हूँ। तो कई सारे ऐसे भाव हैं जिसको मैं ऐसा मानता हूँ कि सुखी हो तो होता हूँ लेकिन उसको निरंतर रख नहीं पाता। तो इस तरीके से थर्ड स्टेप में अभी तक देख पाता हूँ मैं। और जो चौथा स्टेप है कि निर्णय कौन लेता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि एकदम पूरा अपने लिए तो देखने का है कि जो मैंने तीन आधार अपने आप में प्रयास करता हूँ देखने का, कि कार्य करते समय, व्यवहार करते समय, और जब कार्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ उस समय, तो कार्य करते समय तो ऐसा पूरा दिखाई पड़ता है कि मैंने निर्णय लिया है, ऐसा मुझे लगता है। और व्यवहार करते समय जब ठीक से व्यवहार चल रहा है, सामने वाला बहुत मेरे जो मैंने बना रखा है आशा कि इसी तरीके से व्यवहार करे, शब्दों का चयन ठीक करे, या फिर मेरे लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करे ना, मेरा विरोध में कुछ बोले ना, तो ऐसा जब चलता है तो भाव तो ठीक रहता है, और ऐसा लगता भी है कि मैंने ही निर्णय ले रखा है, जो भी मैं उत्तर देता हूँ उत्तर नहीं देता हूँ। और जब कभी कभी जब जो मेरे प्रतिकूल, जो मैंने मान रखा है उसके प्रतिकूल अगर वो बोलता है, तो लगता है कि निर्णय उसके आधार पर हुआ जो उसने बोला ना। लेकिन ऐसा भी है इसमें कि तीन चार स्टेप, तीन चार इसमें भी जब मेरे विरोध में बोल देता है तो ऐसा लगता है कि मैं ही उसका निर्णय ले रहा हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा हो जाता है ऑब्जर्वेशन, ठीक तरीके से नहीं कर पाता हूँ जब, तो वहां पे लगता है कि सामने वाली परिस्थिति के कारण ही मैंने निर्णय लिया है। लेकिन इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग सभी निर्णय मैं ही लेता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पे टिकना तो अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि जो भाव मेरे में बना है तो लगता है कि सामने वाले के कारण ही ये भाव बना है। तो इस तरीके से चौथे स्टेप को मैं अपने आप में देख पा रहा हूँ। पांचवें स्टेप में है कि निर्णय का आधार मान्यता है या फिर समझ है, तो इसमें मैं देखूं कि बहुत सारे ऐसे भाव हैं कि जब मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसके पहले मैं बहुत आराम में रहता हूँ, क्योंकि तो मैं अपने कल्पनाशीलता को अगर ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जैसा कि पहले स्टेप में बोला कि दो भाव के बीच में भी भाव को देखने की भी जरूरत मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो जब मैंने बारीकी से देख पाता हूँ तब, तो सामने वाला कैसा भी हो तो उसके प्रति लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूर्वक मेरे से ऐसा बोल रहा है, उसकी अपनी समझ के हिसाब से मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब फिर मैं उलझा रहता हूँ कुछ फॉर एग्जाम्पल काम कर रहा हूँ, तो फिर कुछ बोलता है कि ये पर्टिकुलर काम आपने ठीक तरीके से नहीं किया, तो उस समय मैं देख पाता हूँ कि मेरा भाव बिगड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से समझ के आधार पर और मान्यता के आधार पर यहाँ पे देख पाता हूँ। और अभी इस हिस्से में देखूँ कि बहुत सारे ऐसे भाव हैं, फॉर एग्जाम्पल जब घर में किसी पर्टिकुलर आदमी की तबीयत खराब हो जाता है, तो पहले देख पाता था कि बहुत कल्पनाशीलता में कि ऐसा क्यों हो गया, और फिर उसके प्रति काफी विरोध भी आता था कि ये अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है ऐसा, और फिर तो शिकायत का भी रहता था, तो बाहर इंटरेक्शन, तो जब कल्पनाशीलता में ऐसा मैं देखता हूँ कि कल्पनाशीलता में जब ऐसा चलता हुआ है
तो बाहर एक्सप्रेशन हो ही जाता था, लेकिन अभी देख पा रहा हूँ कि उसमें थोड़ी सी कमी होती हुई दिख रही है, कि बहुत सारी स्थिति परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ होगा कि ना हो पाए। तो ज़्यादातर है कि ऐसा मैं भी देखूं कि जो भाव ये यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो शरीर के हिसाब से अपने अंदर और शरीर के आधार पे दूसरे के जो इनपुट मिला है मुझे, तो वहाँ पर कल्पनाशीलता या प्रभाव वाला ज़्यादा चलता है ऐसा दिखता है। और जब कभी आराम कोई आदमी इंटरेक्ट कर रहा है, तो फिर वो शब्दों का इस्तेमाल चुनाव नहीं कर रहा है, तो उससे ना जुझलाहट उसकी नहीं होती, कि क्या बोलते हैं कि ये आदमी क्या सही है मैं देख पा रहा हूँ, उसके सामने रख पाऊँ कि ये अपने मान रखा है, या फिर मैं ही उसको अपने आप में देख पाऊँ कि ये समझ के आधार पर है या फिर मान्यता के आधार पर। तो शरीर की बेस पर तो समझ और मान्यता तो ऐसा दिखता है, लेकिन जो कल्पना मय के आधार पर है, तो उसको देखना मेरे लिए अभी ओपन है, उसको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये है ऐसा। तो ज़्यादातर देखूँ तो मैं अपने भाव को जो मान्यता है और समझ वाला पार्ट इसमें बोल रहे हैं इस स्टेप में, तो इसमें जो है शरीर जो मैंने अपने आप को मान रखा है से कह सकता हूँ मोटे तौर पर, तो उसके हिसाब से जो चलने वाले भाव हैं, तो उसको ज़्यादा ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पाता हूँ। जो सेल्फ में है, तो उसके आधार पर चलने वाला जो भाव है, उसको ठीक तरीके से भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो देखने का प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ। और ये सिक्स स्टेप है जो ये बात तो एकदम ठीक है कि समझ के आधार पर और मान संबंध व्यवस्था के आधार पर और सहज के आधार पर ही सहज स्वीकार है, इसके अन्यथा मुझे सहज स्वीकार नहीं है। और मैं पूछता हूँ तो इस क्षण इसको मैं यही सुनिश्चित करना चाहता हूँ, और फिर जब इसके विरोध में होता है, तो फिर से फर्स्ट स्टेप से लेकर यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसा क्रम चलता रहता है सिक्स के ए और सिक्स के बी में, कि मुझे यही स्वीकार है, तो उसको इस क्षण तो सुनिश्चित करना है, फिर हर क्षण सुनिश्चित करना है। तो जब मान्यता को देखना होता है, कभी कभी बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जब ठीक तरीके से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या फिर आराम की स्थिति में रहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जैसा हो पाता है। तो यहाँ तक जब अपने आप में देखने के सिलसिले में पहुंच पाते हैं, तो फिर इस क्षण को सुनिश्चित करने का जो संबंध के अर्थ में और व्यवस्था के अर्थ में हो, तो उस क्षण तो देख पाते कि यहाँ पे तो संबंध का ही भाव मुझे स्वीकार है, व्यवस्था का ही भाव स्वीकार है। लेकिन उसको कंटिन्यूअस में थोड़े लंबे समय तक कर पाऊँ ऐसा नहीं है, फिर अगले क्षण फिर पीछे के 6 स्टेप या फिर 5 स्टेप चलते हैं, तो उसके आधार पे ऐसा हो पाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में 1 से लेकर 6 स्टेप तक है, और जब 7th स्टेप में मेरे लिए अभी ओपन है कि उसको बहुत ठीक तरीके से समय समय पर कर पाऊंगा, अभी जहाँ पर भी पूछने का काम है इस क्षण वाला, तो अभी उसमें भी काफी गैप है, लगभग जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें भी काफी गैप है, 1 मिनट 2 मिनट के आधार पर ही वहां तक पहुंचने का हो पाता है, क्षण क्षण में तो नहीं हो पाता, लेकिन उसको भी समय अंतराल ठीक तरीके से मैं अपने लिए मान रखता हूँ कि और ऑब्जर्वेशन तो होगी, तो यहाँ पे हर क्षण जो वाली बात बोली जा रही है उसको भी मैं ठीक तरीके से कर पाऊँ। तो एक्सरसाइज में तो कुछ मैं ऐसा भी देख पा रहा हूँ। अब एक्सरसाइज 2 में है कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, इस वास्तविकता को देखना है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूँ कि इसको हो सकता है विचार के स्तर पर देख पाया या फिर स्वप्न में ही देखा देखना हो पाया, कि अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए लेटा हुआ था ऐसा। तो ऐसा लगा कि मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ, लेकिन शरीर 2-3 सेकंड तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इस संकेत को। मैं पूरी कल्पनाशीलता को भी देख पा रहा हूँ और शरीर में होने वाली
अन्य अन्य पार्ट में जहाँ भी कल संवेदना मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह संवेदना होती है, तो उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ठीक तरीके से पूरा कल्पनाशीलता ही देख पा रहा हूँ और शरीर में होने वाली संवेदना को देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाला हूँ कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग हूँ। हो सकता है ये विचार के आधार पर ही हो या फिर स्वप्न में ही देखना हो पाया हो, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले स्टेप में तो ऐसा मेरा है देखने का काम। और जैसा कि सेकेंड स्टेप में है, शरीर और मेरे बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं का नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत तीनों जगहों से, जैसे कार्य करते समय, व्यवहार करते समय, और जब मैं कार्य व्यवहार नहीं कर रहा हूँ उस समय, तो इन तीनों जगहों पे भी ऑब्जर्वेशन के कारण ये तो लगता है कि सूचना का ही तो आदान प्रदान मेरे और शरीर के बीच में हो रहा है। इवन खाते समय भी खा रहा हूँ तो वहाँ तक कुछ सूचना ही जा रही है, तो ऐसा मैं मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि मेरे और शरीर के बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2 के दूसरे स्टेप को मैं देख पाता हूँ। और इसके तीसरे स्टेप में है जो शरीर को क्या संकेत देना है, क्या संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ले पाता हूँ लेता हूँ। तो ये बात ठीक लगती है, शरीर को संकेत क्या देना है, ये बात एकदम ठीक तरीके से है, लेकिन यहाँ पर भी मैं देख पाता हूँ कि उसको हर एक संकेत को जो मैं दे रहा हूँ उसका निर्णय एग्जैक्ट मैंने ही लिया है, तो उसको भी मैं ठीक तरीके से देख पाऊँ वो तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार बैठे बैठे पैर में खुजली हुई तो उसको खुजला दिए, तो बाद में पता चला कि मैंने ही खुजलाया, ऐसे पैर को हो सकता हिला दिया बैठे हुए, या फिर सर थोड़ा सा हिल गया, बॉडी पोस्चर बदल लिए, ऐसे बहुत सारी जगहों पे है, एग्जैक्ट मैंने ही किया है। उसके अगले क्षण तो लगता है कि मैंने किया, लेकिन एग्जैक्ट क्या शुरुआत क्या था, मैंने इस क्या संकेत दिया है, तो वहां से देखना तो अभी नहीं हो पाया, इस तरीके से है। बाकी उसके थोड़े से टाइम इंटरवल में आगे पीछे करके तो ऐसा हो पाता है देखने का काम। और मैं शरीर से अलग होते हुए संवेदना को पढ़ पाता हूँ, इसको भी देखना बाकी है। बहुत ठीक तरीके से कहूँ कि देख तर्क पूर्वक तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन एग्जैक्ट कि मैं शरीर से अलग हूँ और संवेदना को पढ़ता हूँ, मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, तो वो दूरी तो मुझे जब कल्पनाशीलता को बहुत ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे होते हैं तो ऐसी दूरी दिखती है। और जो 1 घंटे का बैठने वाला एक्सरसाइज था कि बैठ कर देखिए, तीसरे और चौथे में कंक्लूजन, एक्सरसाइज 2 के तीसरे स्टेप में और चौथे स्टेप में कंक्लूजन निकल के आएगा कि जहाँ पर संवेदना हो रही है उसको पढ़ना, या फिर मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ उसको ठीक तरीके से करना। तो उसको करने के बाद तो कंक्लूजन पे पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उसको उसी क्षण जो ऑब्जर्वेशन है तो ऐसा नहीं हो पाता है, उसके आगे पीछे तो निष्कर्ष के रूप में बोल पाते हैं। और निर्णय को लेना कि बाह्य परिस्थिति, बाह्य बाहर से कुछ संवेदना होती है, उसको मैं निर्णय पूर्वक ही पढ़ता हूँ और फिर उसको अर्थ देता हूँ, फिर उससे प्रभावित होकर और प्रभावित नहीं होकर प्रतिक्रिया पूर्वक या फिर जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। तो ये बात एकदम बहुत ठीक तरीके से लगता है कि जब मैं आराम की स्थिति में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, बाहर कुछ काम करना नहीं, शरीर से काम करने के लिए संकेत नहीं दे रखा हूँ, बाहर आराम से बैठा हूँ, तो जब कोई साउंड आता है तो मैं कान के देख पाता हूँ कि कान में थोड़ी संवेदना तो होती है ऐसा। फिर उसके बाद ये जो शरीर में संवेदना होती है, जो पहले स्टेप 5वें के पहले स्टेप में बात सब स्टेप में बात बोली जा रही है, उसके बाद जो 9 स्टेप होते हैं उसमें फिर प्रभाव निर्णय पूर्वक पढ़ना, फिर उसको अर्थ देना अपने संस्कार के आधार पर, मान्यता समझ के आधार पर, और फिर उससे प्रभावित होना
और मतलब उससे प्रभावित होकर सुखी दुखी होना, फिर उसको फिर उससे रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना, ये बहुत कहूँ कि फिर उसमें भी ठीक तरीके से अगर मैं देखने का निर्णय लेता हूँ तब ऐसा हो पाता है, नहीं तो ये थोड़ी जल्दी में हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अर्थ मैं क्या दे रहा हूँ, जो संवेदना को मैंने सुना है तो यहाँ तक तो देखने का हो पाता है। तो इस तरीके से मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि जब आराम की स्थिति में रहता हूँ तो ऐसा ये वाला पांचवें स्टेप को ठीक तरीके से देखने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो इंटरेक्शन करते हुए ऐसा रहता नहीं है। जिस चीज़ों के मैंने मान रखा है संस्कार रूप में बैठे हुए हैं तो ऐसे रिस्पॉन्ड होता है, और इसमें ऐसा भी रहता है कि प्रतिक्रिया पूर्वक भी होता है और जिम्मेदारी भी पूर्वक होता है। फिर अगले स्टेप में जो ऑब्जर्वेशन मैं कर पाता हूँ कि उसमें भी अब जूम आउट करना है कि अगर संस्कार को यहाँ पर भी देखने की बात जो बोली जा रही है कि प्रतिक्रिया पूर्वक जब जीता होता है और प्रतिक्रिया पूर्वक नहीं जीना होता है, यानी कि जिम्मेदारी पूर्वक जीना होता है, तो ये पूरा जो दोनों काम हो रहा है ये अर्थ के ही आधार पर हो रहा है। जो मैंने अर्थ निकाला है, इस बेस पे अर्थ निकाला है, तो एक्सरसाइज 1 के जो वहाँ पर संस्कार को देखने का है और यहाँ पे जो बोला गया है, तो ठीक तरीके से लगभग लगभग उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ तब कर पाता हूँ। हाँ, वही बोलूँगा कि जब आराम की स्थिति रहती है तो ठीक तरीके से ऑब्जर्वेशन इस स्टेप में भी हो पाता है, और फिर नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हूँ, ऐसा है अभी। और अंतिम स्टेप में है तो यहाँ पे कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि अगर इन पीछे के स्टेप को बहुत ठीक तरीके से देख पाऊंगा तो यहाँ पर भी वो समय अंतराल रहेगा, तो यहाँ पर भी जिस बात को सहस्त्र की या फिर सुनने की बात देखने के लिए बोली जा रही है तो उसको भी कैपेबल हो पाऊंगा देखने के लिए। तो एक्सरसाइज 1 और 2 में संक्षिप्त रूप में ऐसा मुझे मेरा देखना हो पाया है। और फिर साफ साफ कितने स्टेप को देख पाते हैं, तो लगभग 5 5 मैं कह सकता हूँ, छठवें को तो देखने का प्रयास करता हूँ बहुत ठीक तरीके से, तो मैं कहूँ तो नहीं देख पाता हूँ। और प्रभाव और स्वभाव वाला है तो लगभग ऐसा कह सकता हूँ कि विचार रूप में कि स्वभाव ही है, लेकिन प्रभाव में तो जीना हो ही रहा है कि दूसरों से अनुकूल भाव मिल जाए या फिर खाते समय टेकनी वाला और खा लिया जाए, शरीर के अर्थ में शरीर को पोषण ही देगा, या फिर हो सकता है कि इस कंक्लूजन में खाए हों कि शरीर से अनुकूल स्वाद ही मिल जाए, सोने का है कि 2 मिनट और शरीर को थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। तो ऐसा है, ऐसी बहुत सारी जगह है कि वहां पर मैं देखना हो पाता है कि लगता तो है स्वभाव के विचार में ही ऐसा है कि विचार के रूप में ही अस्पष्ट हुआ होगा कि स्वभाव है, भाव के स्तर पर तो अभी देखना काफी बाकी है। और सुनिश्चित करने के अर्थ में अनुकूल प्रभाव और कितना कार्यक्रम जुटाते हैं, तो ये कहूँ ये इसमें जैसा जैसा देखना हो पा रहा है उसमें काफी कमी होती हुई मुझे दिखता है कि शरीर के अर्थ में भी तो अनुकूल शरीर के अर्थ में अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में और मन के अर्थ में स्वभाव को देखने का काम जो है, तो प्रभाव से सुखी होने का उसमें काफी कमी आया है। स्वभाव में स्थित होने के लिए जो है उसके अर्थ में थोड़ा सा काम रहा है, ऐसा मैं अपने आप में देखने देख पाता हूँ। और फिर कितना समय लगा रहे हैं तो कह सकता हूँ कि वीडियो एडिटिंग वाला काम है तो उसमें थोड़ा सा करता हूँ, तो इसके अर्थ में समय लगा रहे हैं समझने के अर्थ में, और बाकी यूट्यूब पे कुछ वीडियो जो रखे हैं उसको भी सुनने का काम होता है। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोटे तौर पे काम कर रहा हो तो उसमें भी मोबाइल में कुछ ऑडियो लगा के वर्कशॉप के, तो उसको भी सुनने का काम होता है, इस तरीके से कह सकता हूँ। एग्जैक्ट मैं कहूँ कितना समय लगा सकता हूँ तो इसमें मोटे तौर पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 घंटे से तो ऊपर लगते ही है।
और जो अगले स्टेप में है तो वीडियो एडिटिंग में मैं काम थोड़ा सा अपना भागीदारी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस मेरी तरफ से भी इतनी शेयरिंग थी। सभी को एक बार पुनः नमस्ते, सभी का धन्यवाद। जी धन्यवाद अभिषेक भैया। तो बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप बहुत ईमानदारी से आपने अपनी पूरी बात रखी और एक सिंसियरिटी के साथ आप अपने अंदर काम कर रहे हैं, और आप जो अपने अंदर देख पा रहे हैं वो भी आपने ईमानदारी से रखा, और जो नहीं देख पा रहे हैं उसकी भी बहुत अच्छे से आपने, तो मुझे लगता है कि काम तो आप कर ही रहे हैं अपने अंदर। इसको जैसे जैसे और समय दे पाएंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी बनती जाएगी और दिखते भी जाएगा। जो आपने एक बात कही थी कि जब आप ना शांत होकर एक जगह पर बैठ के देखते हैं तो और अच्छे से दिखाई पड़ता है, लेकिन जब जी हम बिजी हो जाते हैं दिन भर में तो फिर वो नहीं बन पाता। तो इसमें मैं कहूंगी कि आप जो शांत होकर जब बैठ के देखते हैं उस प्रक्रिया को तो कंटिन्यू रखिए ही, और साथ साथ जी दिन भर में कुछ अपने लिए रिमाइंडर रख सकते हैं जिससे कि आपका ध्यान उस पर जाए, और फिर धीरे धीरे वो एक नॉर्मल प्रोसेस में आ जाएगा तो दिन भर में भी दिखने लगेगा जैसे कि हम बैठ के देखते हैं। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि असली हमारी परीक्षा तभी है जब परिस्थिति जी अनुकूल नहीं होती, तब है ना। जी जी तो वहां जी पर पहले से हमारा ध्यान बना रहे तो वो परिस्थिति वैसी जैसी भी हो हमारा भाव नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो जी अल्टीमेटली बिल्कुल तो वहां तक पहुंचने की बात है, बट स्टार्टिंग तो यहीं से होगी कि हम अपने लिए थोड़ा समय निकालें और डेली डेली करें, और साथ साथ में अपने को एक तरह से रिमाइंड करते रहें कि दिन भर में हमें देखना है, और कुछ टाइमिंग्स पे देखेंगे एंड अल्टीमेटली हर क्षण देखना होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बात सुन के, बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल नमस्ते जी।